तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू मारुति सुजुकी इको 7 सीटर एसटीडी वाले वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदते हैं 2022 में, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी की इस समय प्राइस क्या चल रही है, और अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस करवाते हैं तो इसमें मैं आपको 3 फाइनेंस प्लान भी बताऊँगा, 7 साल की, 6 साल की और 5 साल की। और इसके अलावा इसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपको कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और आपकी मंथली किस्त कितने रुपए की बनेगी अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस करवाते हैं तो। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फिर हम उसके बाद बात करेंगे इस गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंजन की, तो इसमें आपको 1196 cc का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसमें कि अगर पावर की बात की जाए तो 72.42 bhp की पावर 6000 rpm पर, वहीं 98 Nm का टॉर्क 3000 rpm पर मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें इस गाड़ी के माइलेज की, तो ये 16.11 km प्रति लीटर का माइलेज देती है पेट्रोल में। अब दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। तो अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं यूपी के कानपुर सिटी से, तो इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस होगी 4,67,000 रुपये, जिसमें आपका RTO चार्ज इसी एक शोरूम प्राइस में जुड़ेगा 32,690 रुपये। वहीं अगर आप इस गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें आपका जुड़ेगा 28,307 रुपये, यानी कि सभी टैक्स और चार्जेस जोड़ने के बाद इस गाड़ी की टोटल ऑन रोड प्राइस कानपुर सिटी की निकल कर आती है 5,27,997 रुपये। तो ये जो ऑन रोड प्राइस है वो कानपुर सिटी की है। अगर आप किसी अदर सिटी में रहते हैं तो इस गाड़ी की प्राइस थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस करवाते हैं तो उसमें आपको कम से कम कितना डाउन पेमेंट करने पर आपकी मंथली किस्त कितने रुपये की बनेगी। तो इसमें मैं आपको 3 फाइनेंस प्लान बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के 7 साल यानी कि 84 महीनों का अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस करवाते हैं, तो उसमें अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट करते हैं 1,32,000 रुपये का, तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 10.5% लगाने पर आपका टोटल लोन अमाउंट 3,96,000 रुपये का बनेगा, और इसमें आपकी मंथली किस्त बनेगी 6,682 रुपये की, और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 5,61,000 रुपये ब्याज और सब जोड़कर। अब वहीं पर अगर हम बात करें इस गाड़ी के 6 साल के फाइनेंस प्लान के बारे में, यानी कि अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस केवल 72 महीनों के लिए करवाते हैं, तो उसमें भी अगर आप यही सेम डाउन पेमेंट 1,32 का करते हैं, तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 10.5% लगाने पर आपका टोटल लोन अमाउंट 3,96,000 रुपये का बनेगा, और इसमें आपकी मंथली किस्त बनेगी 7,442 रुपये की, और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 5,36,000 रुपये। अब दोस्तों, हम फाइनली लास्ट में बात कर लेते हैं कि अगर आप इस गाड़ी को केवल 60 महीनों के लिए फाइनेंस करवाते हैं, यानी कि 5 सालों के लिए, तो उसमें भी अगर आप यही सेम डाउन पेमेंट 1,32,000 रुपये तक का करते हैं, तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 10.5% लगाने पर आपका टोटल लोन अमाउंट 3,96,000 रुपये का बनेगा, लेकिन इसमें आपकी मंथली किस्त बनेगी 8,518 रुपये की हर महीने की, और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा शुरू से लेकर लास्ट तक में आपको देना होगा 5,11,000 रुपये ब्याज और सब मिलाकर। तो दोस्तों, यही थे न्यू मारुति सुजुकी इको 7 सीटर एसटीडी वाले वेरिएंट के न्यू प्राइस और उसके फाइनेंस डिटेल। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।